मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लाहौर में। कृष्ण नगर में मेरा घर है। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन एंड में है ना, मुझे अल्टीमेटली इधर आना पड़ा अपने इलाज के लिए, अपने दोनों गुर्दे निकालने के लिए हैं। तो अब शायद मैं एनुअल ना दूँ, वैसे दे भी सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। अब्दुल्ला के साथ हमने शुरू से बहुत स्ट्रगल की है। वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा इसको ऑपरेट किया उन्होंने और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई है वहाँ पे। तो अब इसका ट्रांसप्लांट हुआ था 2.5 साल पहले, इसको इन्फेक्शन हो रही थी, उसके लिए हमने वहाँ पे किया डॉक्टर से रब्ता। उन्होंने जो हमें हल बताया वो बहुत मुश्किल था कि इसके ओल्ड किडनी वो रिमूव करेंगे, मगर वो किस तरीके से करेंगे वो बहुत ख़तरनाक था। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी इसको रिपीटेड अटैक्स ऑफ यूटीआईज चलते रहे, जिस सिलसिले में जो उस वक्त यहाँ पे यहाँ आने से पहले जो बार बार जब इसको इन्फेक्शन होती रही, तो वहाँ पे जो है ना, जो यही डिसाइड हुआ कि जिसके अब जो है ना, जो एक चीज़ रह गई है जो उस वक्त नेफ्रेक्टमी नहीं थी, वो इसके दोनों गुर्दे निकलवाने पड़ेंगे आपको। मोहम्मद अब्दुल 15-16 साल का लड़का है, उसकी किडनी फेल हो गई थी क्योंकि उसको एक पोस्टेरियर लिथल वाल और बाइलेटरल रिफ्लेक्स की बीमारी थी। इस बीमारी में जब पेशेंट पेशाब करता है तो आधी पेशाब किडनी में चली जाती है, और सिंस वो पूरी यूरिन निकल नहीं पाती तो बार बार इन्फेक्शन होता है। उसको ऑपरेशन के पहले इसकी ये दोनों किडनी एंड यूरेटर ब्लैडर तक निकाल देना था, फिर ट्रांसप्लांट करना था, लेकिन लाहौर में उसका ट्रांसप्लांट कर दिया गया और उसके किडनीज और यूरेटर नहीं निकाले गए। तो उसका ट्रांसप्लांट 2 साल पहले हो गया था, लेकिन इस 2 साल में उसको कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, जिससे कि वो काफ़ी परेशान था। फाइनली उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था। ही वुड रिक्वायर अ फॉलो अप बाय यूरिन कल्चर्स व्हिच हैव टू रिपीटेड एटलीस्ट आफ्टर अ मंथ एंड सब्सिक्वेंटली मे बी लेस फ्रीक्वेंटली एवरी 3 मंथ। सपोज ही हैज अ फीवर अगेन, देन ही हैज टू टेक अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स and consult us again regarding this problem. तो मैं इस चीज में काफ़ी वर्ड था। मैंने फिर इंटरनेट पर मुख्तलिफ जगहों पर रबता किया, तो उसमें मेरा जो 40 हॉस्पिटल वालों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, डॉक्टर अनंत कुमार साहब ने, इनसे वहीं पर पाकिस्तान में मेरी फ़ोन पर भी बात होती रही। इनका जो प्लान था वो मुझे बड़ा, यानी वो समझ में आया कि जो इसके आप लेप्रोस्कोपिकली, इन्होंने एक प्लान दिया कि हम लेप्रोस्कोपी से बाईलैटरल नेफ्रो यूरेट्रेक्टमी करेंगे। पेशेंट हैज गॉट वेरी हाई टेक्नोलॉजी लेप्रोस्कोपिक बाइलेटरल नेफ्रो यूरेट्रेक्टमी। सो एडवांटेज वाज दैट ओनली 1 ऑपरेशन, पेशेंट डिस्चार्ज विद इन 4 डेज, वेरी स्मॉल इंसिजन, लेस पेन, एंड पेशेंट एंड अप पेइंग लेस बिकॉज़ इफ यू अंडरगो 2 मेजर ऑपरेशन एंड इफ यू अंडरगो 1 स्मॉल ऑपरेशन। आनंद कुमार साहब ने, उन्होंने, मैं उनका सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी सर्जरी की है कि मैं सोच नहीं था सकता कि बच्चा 3rd-4th दिन ये चल फिर रहा था। तो ये सारी बातें इस तरह की हैं कि मैं समझता हूँ कि, बल्कि मेरा चूँकि प्रोफेशन भी ऐसा है, मैं ख़ुद भी अपने जो वहाँ पे क्लिनिक पे इनका एक लिख के ज़रूर लगाऊंगा वहाँ पे, एक माउंटिंग सी बना के, कि किसी भी बंदे को ज़रूर तो ये ट्रीटमेंट की तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको गाइड करूँ कि आप 40 हॉस्पिटल जाएँ। जब डॉक्टर अनंत कुमार साहब को और डॉक्टर अमन को हम देखते थे, ख़ास तौर पर मैं, तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे ही हमारा इनके साथ रियल ब्लड का कोई रिलेशन है, कि ये इतने वरीड हैं, हमें इतनी अच्छी तरह से हमें गाइड कर रहे हैं, हम जो पूछते हैं हमें बताते हैं। फोर्टिस में बस यही कि हमारे साथ बड़े अच्छे हालात यहाँ पे रहे हैं। हम बहुत खौफजदा थे जब आए हैं, हमने कहा पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, कोई हमारी बात सही तरह सुनेगा या कोई हमारे साथ, जिस जो हम चाहते हैं कि सेफ इसकी सर्जरी हो जाए और सारे बाद में हालात सही रहें, वो सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये जो 5 घंटे इसका ऑपरेट हुआ, वो 5 घंटे काफ़ी टेंशन थी मुझे कि अब इसका वो कम्प्लीट हो जाए, होश में आ जाए, बाद में सारा कुछ नॉर्मल रहे। शुक्र अल्लाह का सारा कुछ ठीक रहा।